सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि TS9 पे बेस्ट लो हीरो होने के बाद भी बेस्ट अटैक स्ट्रेटजी कौन सी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि बेस इस प्रकार का है तो हम लोग भी इस बार क्वीन डाउन करेंगे और सीसी टूप्स जो कि हम लोग को यहाँ से इजली मिल जाएगा। सबसे पहले एक पिक्का छोड़ दे रहे हैं बेबी ड्रैगन, फिर सेम यहाँ पे एक पिक्का बेबी ड्रैगन, किंग, क्वीन, टेस्टिंग वॉल ब्रेकर, फिर फाइनल दो वॉल ब्रेकर और विजर्ड्स सीसी टूप्स। वेट करेंगे थोड़ा यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम लोग रेज यूज़ करके और वॉल ब्रेकर यूज़ कर देंगे। यहाँ पे पॉइजन फ्रीज यूज़ कर दो, सब लोग फ्रीज हो जाएंगे, टेंशन ही खत्म। अब यहाँ से हम लोग हॉगिंग स्टार्ट कर देंगे, चार पांच हॉग यहाँ पे छोड़ दो, टेंशन खत्म। वेट करेंगे थोड़ा, पहला हीलिंग स्पेल, जहाँ से हॉगिंग स्टार्ट करो वहाँ पे एक विजर्ड छोड़ दो, ये देखिए मैंने छोड़ दिया ताकि टाइम की कमी ना पड़े। अब मैं हॉग देखूंगा तो भी टेंशन नहीं है। एक और हॉग हीलिंग स्पेल यहाँ पे, देखिए मेरा हीरोज़ का एबिलिटी दोनों बाकी है, दो विजर्ड्स बाकी हैं, चलो यहाँ पे यूज़ कर देते हैं ऐसा, ख़त्म। सही रही बेस, चलिए जल्दी जल्दी यूज़ का एबिलिटी यूज़ करके जल्दी से फिनिश कर देते हैं। ये देखिए बेस अच्छा था और मैक्स आउट बेस है, बस हीरोज थोड़ा बाकी है। इजली 3 स्टार स्ट्रेटजी यूज़ करो और थोड़ा प्रैक्टिस करो, इजली 3 स्टार होगा कोई भी बेस, गारंटी 3 स्टार आ गया। आर्मी देख लो। सो गाइस, जैसे इस बार का बेस हमें कुछ इस प्रकार का मिला है, हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग का दो मेन इंटेंशन रहेगा। सबसे पहले हम लोग को सीसी डाउन करना है, जो सीसी के अंदर ट्रूप्स रहे वो, फिर सेकंड थिंग क्वीन। तो क्वीन और सीसी ट्रूप्स कहाँ पे, क्वीन हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, पिक्का छोड़ के विजर्स छोड़ देंगे, इतने में हम लोग को पिक्का मिल जाएगा शायद। वेट करते हैं थोड़ा, हाँ मिल जाएगा, देखने की ज़रूरत नहीं है। एक पिक्का, एक बेबी ड्रैगन यहाँ पे, एक बेबी ड्रैगन होल्ड पे रखते हैं, यहाँ पे डाल दे ताकि फनल का टेंशन ना रहे। फिर हम लोग यहाँ पे किंग, क्वीन, हीरो छोड़ देंगे, एक यहाँ पे विजर्ड्स, एक यहाँ पे टेस्टिंग वॉल ब्रेकर, फिर फाइनल दो वॉल ब्रेकर और सीसी ट्रूप्स। वॉल ब्रेक हो जा भाई, हो गया। हम लोग यहाँ पे रेज यूज़ कर देंगे, यहाँ पे पॉइजन। अब देखिए हॉग, हम लोग यहाँ से हॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सो भाई, जैसे मैं हॉगिंग स्टार्ट किया, एक यहाँ पे हिल दे रहा हूँ, और जैसे हॉगिंग स्टार्ट कर दिया मैं यहाँ पे एक विजर्ड डाल दे रहा हूँ ये वाला, ताकि टेंशन ना रहे। मैं देख भी नहीं रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, वेट करेंगे आराम से। चलिए एक और दे रहे हैं हिल, फ्रीज स्पेल ऐसा यूज़ करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस फ्रीज हो जाए, जैसे कि यू यूज़ करें, तीन चीज साथ में फ्रीज हो जाएगा। अभी भी हमारे पास एक हीलिंग स्पेल बाकी है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है यूज़ करने के लिए, मुझे नहीं लगता है ज़रूरत पड़ेगी। कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पे, अभी डाल देते हैं विजर्ड्स। वॉल ब्रेकर है कोई, और विजार्ड्स क्योंकि मैं पहले से डाल दिया हूँ तो यहाँ से फनल हो रहा है। यहाँ पे डाला था, यहाँ पर डाला था, यहाँ से होते 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 यहाँ पे क्लियर हो गया और यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है ताकि टाइम की कमी ना पड़े। और यहाँ पे एक बेबी ड्रैगन डाला था इस साइड, वहाँ से ये क्लियर कर रहा था।
उसके बाद हॉगिंग पे ध्यान दिया था, बस यही अटैक में है। किंग क्वीन अपना काम कर दिए थे, बस किंग क्वीन से हम लोग को ओपोनेंट का क्वीन और सीसी टूप्स मारना रहता है। तो उसके बाद पूरा अटैक हॉक पे रहता है। अभी मेरे पास हिल स्पेल है, यूज़ कर दो कोई मतलब नहीं है। सो गाइस हॉग अटैक में टाइम फेल जाता है, इसलिए विजर्ड्स रखे रहो बस। इस बार हमें इस प्रकार का बेस मिला है, हमें डाउन करना है क्वीन और सीसी ट्रूप्स। पहले सबसे पहले हम लोग सीसी ट्रूप्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे आ गया सीसी ट्रूप्स, यहाँ से हम लोग चालू करेंगे। गाइस एक बार ट्राई करो ये वाला अटैक स्ट्रेटेजी, बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। यूज करो फिर बताओ मुझे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्वीन की एबिलिटी यूज कर देना। सो गाइस उसकी रही वीडियो।